इंजीनियर कमलेश सिंह की श्रद्धांजलि सभा एवं कैंडल मार्च का आयोजन आज दिनांक 13 अगस्त रविवार को उत्सव लॉन हाटा में राष्ट्रीय संत वार मल्य स्वाभिमान मोर्चा के बैनर तले सर्व समाज के सभी व्यक्तियों ने स्वर्गीय कमलेश सिंह के लिए अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय संत वार मल्य स्वाभिमान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर मनोज सिंह संत वार ने किया। उन्होंने स्वर्गीय कमलेश सिंह जी के द्वारा अब तक किए गए कार्यों की सराहना की तथा उनको याद किया और उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की तथा प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निम्नलिखित मांग किया। स्वर्गीय कमलेश सिंह के परिवार को स्थायी सुरक्षा मिले तथा उनके पत्नी बच्चों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि पत्नी को सरकारी नौकरी कुशीनगर जिले में प्रदान किया जाए। मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। आज के इस कैंडल मार्च में हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। उत्सव लॉन से गोरखपुर चौराहा मेन मार्केट होते हुए महाराणा प्रताप चौक पर संपन्न हुआ। उपस्थित सभी लोगों ने नम आंखों से अपनी युवा नेता की अंतिम विदाई दी। प्रशासन से क्या किस तरह की मांग रखते हैं? इस योगी सरकार में जिस तरह जीरो टॉलरेंस नीति है जो अपराधों के प्रति, मेरी ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, इस प्रदेश के मुखिया से मांग करता हूँ कि उसके परिवार को फांसी से सजा, जिसने भी हत्या की है उसको फांसी से सजा कम मंजूर नहीं है। उसके घर पर बुलडोजर चले, हत्यारों के फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा दी जाए, मामले को 6 महीने से ज्यादा 1 दिन भी न खींचा जाए, 5 दिन तक हत्या के लाइसेंस निरस्त किया जाए, हत्या के 5वें दिन गिरफ्तारी हुई है, कहा कि छिपा था उसको हत्या के पांचवें दिन गिरफ्तारी हुई है किसने उसको संरक्षण दिया ताकि कहा छिपा था। देखिए, ये बहुत ही बड़ा और शोचनीय विषय है कि वो आखिर 4-5 दिन तक कहाँ छिपा रहा। मैं प्रशासन से, शासन से और बीजेपी सरकार से यह मांग करता हूँ, माननीय योगी जी से मांग करता हूँ कि उसको एक सीबीआई जांच कराई जाए। इस हत्या के पीछे उद्देश्य क्या है और जो जो लोग और जो जो सफेद पोश लोग उसको संरक्षण दिए हैं उनको भी उसी तरह की सजा दी जाए। जिस तरीके से इंजीनियर कमलेश कुमार को निर्मम हत्या की गई, उनके परिवार को लहूलुहान किया गया, उनके परिवार के लिए किस तरह की मांग रखते हैं? उनके परिवार के लिए हम लोगों ने माननीय योगी आदित्यनाथ से कहा है कि यदि आप सबके पिता तुल्य हैं, सबके पिता हैं, इस प्रदेश के पिता हैं, तो उस परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, उनकी बेवा और उनके बच्चों को, और कुशीनगर में 1 नौकरी दी जाए उसके परिवार को। ये हमारी मांग है। पूर्व में भी उसके ऊपर हत्या का कई धाराएं प्रारंभ कराए हैं, हत्या का कई आरोप लगा है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पूर्व में भी उसके ऊपर कई आरोप लगे हैं, कई धाराएं हैं, उसके बाद भी कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। यह बड़ी सोचनी की विषय है, जिस अपराधी के पास 15 मुकदमे 302, 307 और गंभीर धाराओं में है, आज तक वो कैसे बचा रहा और उसके बाद भी हत्या करके उसकी उसका कुछ नहीं हुआ, यह कैसा माननीय नेता, उसको कौन संरक्षण दिया, ये पूरा जांच का विषय है। जांच करके उसके ऊपर रासुका लगाया जाए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आप लोग आगे और क्या करेंगे? अभी तो अगर नहीं हुआ, ये हमारी मांगे नहीं पूरी हुई, तो अगले कुछ दिनों में हम लोग, हमारी कमेटी तय करेगी, हमारा पूरा अखबार मल्ल समाज तय करेगा, और उसके बाद यह हाटा में चक्का जाम कर दिया जाएगा। और ये सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, दिल्ली भी जाना होगा, जाम करेगा।